डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मई यूट्यूब चैनल। आज फिर से उपस्थित हैं हम क्वेश्चन टेक्स्ट के टॉपिक डिस्कशन और उसके कुछ स्पेशल रूल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले जब हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट शुरू किए थे, तो क्वेश्चन टेक्स्ट शुरू जब हुआ था तो उस समय मैंने बताया था कि विद इन 6 to 7 वीडियोज़ में ये फुली क्लास फिनिश होगा। तो हालांकि चैनल पे 1, 2 और 3 ये 3 क्लासेस जो हैं क्वेश्चन टेक्स्ट के वो चले हुए हैं, उनका वीडियोज अपलोडेड है और वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन टेक्स्ट के जो रूल हैं और जो उसके फर्स्ट टर्म है बनाने के, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट, कहाँ पे हम क्वेश्चन टेक्स्ट को कैसे लगाते हैं, ये सभी चीज़ों को बताया गया। और मैं अब फिर से रूल नंबर तो नहीं कह पाऊँगा, बट स्पेशल रूल्स के साथ हम चल रहे हैं। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चन टेक्स में हम लोग पहले से जो वीडियोज डाला गया है यूट्यूब चैनल पे, वीडियोज नंबर 1, वीडियोज नंबर 2 और वीडियोज नंबर 3, तो उसके रिगार्डिंग हम एक सॉर्ट आउट करेंगे और थोड़ा सा एग्जांपल बेसिस पे उसको रिन्यूअल करेंगे, फिर रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा सम इफेक्टिव रूल्स जो है, कुछ जो रूल हैं उसके द्वारा भी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट को। हालांकि हम कह सकते हैं दिस इज़ द वीडियोज नंबर 4, ये 4 नंबर वीडियोज है, ठीक है। वीडियोज शुरू होने से पहले मैं फिर एक बार बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है RS इंग्लिश एरा, और इस चैनल के मार्फत हम इंग्लिश के तमाम सारे वीडियोस को, ग्रामर के बहुत सारे डिस्कशन टॉपिक, ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर को, टॉपिक को लेके आते हैं और आप लोगों के बीच वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तो आप लोग वीडियोस को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। जो भी कमियां, जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई दें, समस्याएं दिखाई दें, उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके लिए हमारा RS इंग्लिश क्लासेस आपका आभार रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग जो पहले पढ़े हुए हैं, जैसे हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, क्वेश्चन टेक्स्ट के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि जैसे हमारा जो वर्ब होता है उस वर्ब पे क्वेश्चन टेक्स्ट बहुत अच्छा खासा डिपेंड होता है। मेरे कहने का मतलब कि जो सेंटेंस में वर्ब आया होता है, स्टेटमेंट में जो वर्ब आया होता है उसी वर्ब को हम बाहर लाते हैं, और जो हमारा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को उसके साथ ऐड करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो स्टेटमेंट हो वो अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखा है तो वो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में हो तो हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट में नॉट हट जाएगा, वो अफर्मेटिव में होगा, और अफर्मेटिव में स्टेटमेंट हो तो फिर हम नॉट के साथ क्वेश्चन टेक्स्ट को बनाते हैं। तो जैसे वीडियोज 1, 2, 3 के रिगार्डिंग हम लोगों ने जो भी समझा है, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट आउट कर दूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, आई प्ले, इस तरह का करके आई प्ले, तो इसमें फिर ये वर्ब नहीं था, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ये लेक्सिकल वर्ब होते हैं, प्ले, डांस, इसका तो यूज़ करेंगे नहीं हम क्वेश्चन टेक्स्ट में। तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसके जो V1, V5 रेंज होते हैं वो छुपे होते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे डू और डज का अप्लाई देख सकते हैं, क्योंकि जब V1 है तो डू और डज लेंगे, और आई के साथ में पता है डू लगता है, तो फिर जैसे डू करेंगे और इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, नहीं इस स्टेटमेंट में नॉट लगा है, तो हम इसको नॉट लगा देंगे, डोंट हो जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट आया हुआ आई, तो आई हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने रूल में पढ़ा था कि अगर इसके साथ, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है और इसके साथ डांसेस है, ही डांसेस है, यहाँ भी हमारा ये मेन वर्ब है एज लाइक लेक्सिकल वर्ब, तो यहाँ पे जब कोई हेल्पिंग वर्ब सपोर्टेड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ सिंबल नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे डू डज में से क्या अप्लाई करेंगे। तो डांसेस है ऑलरेडी और थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज वर्ब लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे डज लाएंगे, और जब इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है तो डजंट होगा और ही का ही हो जाएगा, ये भी जाने। अच्छा, अब आते हैं पास्ट फॉर्मेलिटीज में, जो पास्ट में क्या था, जैसे यू एट, आपने खाया या तुमने खाया, तो यू एट है। अब जैसे ही V2 होता है तो हमें पता है कि इसके लिए डिड अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ जो हमारा वर्ब नहीं है तो इसके लिए हम डिड लगा देंगे, और ये नेगेटिव सेंस में नहीं है तो नॉट लग जाएगा और यू का ही हो जाएगा, डिडंट ही हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग, जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ किसी वर्ब को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को दिखाते हैं, जैसे
आई हैव अ पेन। तो हमारा ये हैव वर्ब दिख रहा है यहाँ पे, तो इस हैव को बाहर लाएंगे, और हैव को बाहर लाने के बाद ये नॉट में नहीं है, निगेटिव में नहीं है, तो नॉट लगा देंगे और आई का आई हो जाएगा। तो ये हो गया, ये सभी क्वेश्चन टेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इन सभी में नेगेटिव सेंस नहीं है, जो भी स्टेटमेंट आया हुआ है इस स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सभी में नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन अब इसमें हम नॉट रख के देखते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में ही नॉट आया हो, जैसे यू हैव नॉट अ कार, तो फिर हमें यहाँ हैव निकालना होगा। तो जब हैव निकालेंगे बाहर, और तो इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में नॉट ऑलरेडी दिया है, तो सिर्फ हैव जो भर पे बाहर निकल जाएगा और यू जो सब्जेक्ट के रूप में आया यू निकल जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हाँ, इस रूल को पढ़ते समय इसके रिगार्डिंग एक वो जो अप्लाई सेंस होता है, अप्लाई जैसे ये एम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टेक्स्ट के रूल्स के हिसाब से। जो एम होता है ये अमाउंट नहीं बनता है, और ये अगर निगेटिव में आता है स्टेटमेंट में तो एम बनता है। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं वैसे वीडियोज वन में अपलोडेड है वहाँ देख सकते हैं, बट मैं चाह रहा था कि इफेक्टिव रूल्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा वो 1, 2, 3 जो वीडियोज अपलोडेड है क्वेश्चन टेक्स्ट का, उसका थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो अगर किसी सेंटेंस में एम लगा होता है, तो अगर एम लगा हुआ है जैसे आई एम अ बॉय, ये एक सेंटेंस है, तो ये जो एम लगा हुआ है हमें पता है कि एम ओनली यूजेस फॉर आई, एम का जो यूज है वो सिर्फ आई के साथ है, और ये एम अमाउंट नहीं बनेगा। अब कैसे नहीं बनेगा, तो ये जो यहाँ एम है ये बाहर आके अगर एम लिख देते हैं इसी के रूल के जैसा, और नेगेटिव सेंस में नहीं है तो नॉट लगा देते हैं, और अमाउंट के साथ आई लिख देते हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है, अमाउंट नहीं होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये गलत है। ये जो है एम ये आर बनेगा जब आई के साथ आया हुआ है, तो एम ही सिर्फ है जो आरंट बनता है, एम आर बन गया, नेगेटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव सेंस का यहाँ अप्लाई कर दिए नॉट, और जो सब्जेक्ट हमारा है वो आई होगा, तो आरंट आई ये सही होगा। बट अगर यही स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में हो, जैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर, अगर क्वेश्चन ये आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो एम आया हुआ है इसके साथ नॉट आया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वर्ब को सीधे हम बाहर निकालेंगे, एम को बाहर निकालेंगे, और एम जैसे ही बाहर निकलेगा, अब इसमें हम नॉट देखेंगे ना कि ये नेगेटिव सेंस में कि अफर्मेटिव सेंस में, तो ये नेगेटिव सेंस में है, और क्वेश्चन टेक्स्ट का रूल कहता है कि जब हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंस में हो तो क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते समय नॉट का यूज करते हैं, बट हमारा क्वेश्चन ही नेगेटिव सेंस में हो तो उसे हम अफर्मेटिव सेंस में लाते हैं। बट एम के साथ एक अलग रूल है, एम के साथ रूल है कि जब वो पॉजिटिव सेंस में हो तो एम आर बन जाता है, नॉट के साथ अप्लाई करते हैं, अरंट लगाते हैं एम इक्वल्स टू, और अगर वहीं एम नॉट के साथ आया हुआ हो तो एम को बाहर निकालते हैं, नॉट से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंस में, और आई का आई लिखते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आई सही होता है, यहाँ पे आर आई नहीं होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट नंबर जो वीडियोस था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें इनकी चर्चाएं हैं, ये सभी है, ये सभी है। फिलहाल ये एक शॉर्ट आउट था जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया है हमारे चैनल के माध्यम से, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियोस पहले बना होता है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज लेके आते हैं, तो उसके पीछे थोड़ा सा रिमार्क करना होता है, तो इस लिहाज से हम लोग समझ गए कि वीडियोज 1, 2 और 3 में क्या डाला गया है। वैसे जो बच्चे वीडियोज 1, 2, 3 सीन नहीं कर पाए हैं, वॉच नहीं कर पाए हैं, वो वहाँ देखें और बेहतर समझें। फिलहाल हालांकि मैंने हिंट्स यहाँ पर रख दिया है। अब इसके अलावा जो इफेक्टिव रूल्स हैं, ये ऑलमोस्ट वीडियोज नंबर 4 हम लोग का हो रहा है, तो इसके बाद भी एक दो और वीडियोज होंगे जिसमें इफेक्टिव रूल्स को ही हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो क्वेश्चन टेक्स्ट के रिगार्डिंग वीडियोज 1, वीडियोज 2, वीडियोज 3 अपलोडेड है, जिसका हम लोग शॉर्ट रिवाइज भी कर ली। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट में ही वीडियोज नंबर 4, और वीडियोज नंबर 4 में क्या है, सम इफेक्टिव रूल्स, कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं उसको देखते हैं।
एक नंबर में कह रहा है कि फॉर अर्जेंसी सो पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड इक्वल्स टू वांट यू। सेंटेंस में जब अर्जेंसी को दर्शाना होता है, बहुत तेज़ी को या जल्दीबाजी को जब बताना होता है, शो करना होता है, और उसमें पॉजिटिव रिक्वेस्ट होता है या कमांड होता है, तो उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट होता है वो वांट यू होता है। ठीक है, जैसे रिमेंबर टू शट द डोर, याद रहे कि दरवाज़ा बंद करना है। ठीक है, ये अर्जेंसी है, किसी को हम ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि याद रहे कि दरवाज़ा बंद करना है। दरवाज़ा बंद करना क्या है, ज़रूरी है, तो अर्जेंसी शो हो रहा है सेंटेंस में, तो हमें इसमें किसी वर्ब और किसी स्टेटमेंट में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना ये है कि ये अर्जेंसी शो कर रहा है कि नहीं, और इवन ये अर्जेंसी शो कर रहा है तो ऐसे सेंटेंस में सीधे हम ऑन्ट यू को ला देंगे, ऑन्ट यू। ठीक है, अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल है, बी केयरफुल वाइल काउंटिंग रुपीज, सावधान रहें जब पैसे काउंट कर रहे हों, यानी कि पैसे काउंटिंग करते समय, रुपए काउंटिंग करते समय हमें सावधान रहना है, तो ये भी अर्जेंसी है। ठीक है, केयरफुल भी अर्जेंसी को शो करता है, तो यहाँ पे भी हम ऑन्ट यू को लेंगे, ऑन्ट यू जब हो गया तो ये ऐसा हम लोग बना सके। ठीक है, फिर जब दूसरी ये सम इफेक्टिव रूल्स में जब हम दूसरा आते हैं, और दूसरा में जब हो रहा है कि लेट हिम, लेट के साथ हिम लगाओ, जैसे ये ऑर्डर कमांड को भी रियलाइज करवाता है, तो लेट के साथ हिम भी हो सकता है, लेट के साथ देम भी हो सकता है, लेट के साथ यू भी हो सकता है, इवेन लेट के साथ कोई नाम भी हो सकता है, जैसे लेट रोहित। तो अगर ऐसे लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का जो हिम देम यू होता है वो लगा रहे, या फिर कोई नाउन ही लगा रहे, तो उसका जो क्वेश्चन टेक्स्ट होगा वो विल यू होगा, और उसके लिए मैंने दो एग्जांपल सेटअप किया, जैसे लेट हिम डू दैट, उन्हें करने दें, उन्हें करने दें, तो ये लेट ही में यहाँ पे जो आया हुआ है इसके वजह से लेट के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम विल यू लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लेट देम गो, लेट देम गो है तो फिर वहाँ के लिए भी विल यू होगा, और इसमें क्योंकि ये जो वीडियोज 1, 2 और 3 में है वो टेंस और उसमें आए हुए वर्ब के रिगार्डिंग भी है, कभी लेक्सिकल वर्ब आया तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के नॉट के साथ इंक्लूडेड किया गया है, जहाँ पे नेगेटिव सेंस है स्टेटमेंट में वहाँ अफर्मेटिव बनाया गया, बट ये इफेक्टिव रूल्स है, इवन इसको कह सकते हैं ये स्पेशल रूल्स है, इसमें सेंटेंस के रिगार्डिंग, सेंटेंस का जो सेंस होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन टेक्स का अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में अर्जेंसी था, दोनों में अर्जेंसी शो हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग ऑन ट्यू लगा दिए। इसमें लेट एक सिंबल क्या है, पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, स्टेटमेंट में आइडेंटिफिकेशन यही है कि लेट से शुरू हो, और लेट से शुरू होने के साथ उसके साथ ऑब्जेक्ट या नाउन जुड़ा हुआ हो, तब हम लोग विल यू लगा देते हैं। अब आते हैं 3 नंबर पे, इफ़ द सब्जेक्ट इज पर्सनल प्रोनाउन इक्वल्स टू क्वेश्चन टेक्स विल बी ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन। अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो हो पर्सनल प्रोनाउन हो, और तो उसका क्वेश्चन टेक्स जब बनाएंगे तो पर्सनल प्रोनाउन को ही रखेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव में नहीं है तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ नॉट ऐड करेंगे, अगर वो स्टेटमेंट नॉट के साथ हो तो पर्सनल प्रोनाउन विदाउट वे आर नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद है बट द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट इज नाउन, लेकिन उसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नाउन है तो उस नाउन के लिए क्वेश्चन टेक्स विल बी अकॉर्डिंग टू नंबर एंड जेंडर, फिर उस नाउन को देखेंगे किस नंबर में है, किस जेंडर में है, उसके हिसाब से लगाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल बेसिस से समझेंगे इसमें, जैसे आई वर्क, ये जो आई वी यू दे ही सी इट जो हमारा है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और जब पर्सनल प्रोनाउन है तो यहाँ पे जो वर्क आया हुआ ये मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, तो मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब का क्वेश्चन टेक्स नहीं बनता है, तो मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब जो आया हुआ है उसके पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस है इसमें वी वन या वी फाइव को ही ऐड करेंगे, और हमें पता है कि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ डू जाने वाला है, यानी वी वन जाने वाला है, तो यहीं पे हम लिखेंगे डू, और जैसे ही डू लिख दिए तो इस सेंटेंस को देखेंगे, आई वर्क जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस आई वर्क सेंटेंस में कहीं नॉट लगा कि नहीं, जब नॉट नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंस को नहीं दर्शाता है, इसलिए डू के साथ नॉट लगाएंगे डोंट हो जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो आई हो जाएगा और डोंट आई हो जाएगा। फिर हम आते हैं यू डांस इट, यू डांस इट, इसमें भी डांस जो है मेन वर्ब की तरह है और लेक्सिकल वर्ब की तरह है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब
वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम जब भी टू आता है तो उसके लिए डिड वर्ब बना हुआ है, डिड हो गया। और इसमें जब सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के साथ साथ जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए सेम उसको उतार देंगे। अब कहता है बट द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो हो वो नाउन हो। तो हमें अब नाउन लेना है, पहले जो हमारा सब्जेक्ट था आई और यू प्रोनाउन था, अब सब्जेक्ट में नाउन लेना है, जैसे राम प्लेज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वी फाइव प्लस सब्जेक्ट, वी वन वी फाइव में से कोई एक चुनना है। हमारा राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमने प्ले चुना है वी फाइव, ठीक है। तो जब राम यहाँ पे प्लेज है तो यहाँ के जो वर्ब हैं, जो हाइड हैं, इसके लिए हम डज लेंगे क्योंकि प्लेज है। और ये भी एक शॉर्टकट रूल है, जैसे वीडियोज 1, 2, 3 के रिगार्डिंग समझाया गया है कि अगर डू वर्ब आता है और डज वर्ब आता है तो डू वाले के लिए वैसे लेंगे, और अगर हमारे प्ले और प्लेज दो, अगर ये समझें एक प्ले आया हुआ हो सेंटेंस में और एक प्लेज आया हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एस प्लेज वाले में लगाया तभी तो इसमें डज लेंगे, क्योंकि हमारे डज में भी एस मिल जाता है। अब बचा डू, तो डू प्ले के लिए होता है। और इन दोनों के पास्ट फॉर्म अगर वो प्लेड ईडी लगा हो तब इन दोनों के लिए डिड होता है। तो ये हालांकि पिछले प्रीवियस वीडियोज में भी सेटअप है। अब यहाँ पे राम प्लेज है तो यहाँ पे हम डज लिख देंगे, और इसमें सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट सेंस यहाँ अप्लाई होगा, और जो राम है ये राम यहाँ पे आ जाएगा, डजंट राम। बट यहाँ राम के जगह पे हम ही भी लिख सकते हैं, डजंट ही होगा। अब इसमें रोहित डांसेड वेरी वेल, तो यहाँ पे जो डांसर है वी टू है, और वी टू जैसे ही आया तो वहाँ पे हम डिड ले लिए, और डिड लेने के बाद नॉट सेंस में नहीं है ये तो नॉट ले लेंगे। और जो रोहित है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये नाउन भी है, तो ये नाउन और नंबर जेंडर के हिसाब से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा, और जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा तो इसके लिए हम ही लेंगे, ठीक है। अब इस वीडियोज में यानी कि इफेक्टिव रूल्स 1, 2 और 3 में ये हुआ कि 1 जो होता है अर्जेंसी शो करता है, जिसके लिए वॉन्ट यू। 2 जो होता है लेट के साथ ऑब्जेक्ट और नाउन का ऐड होता है तो उसमें विल यू। और 3rd जो होता है अगर सब्जेक्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ बनाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा स्टेटमेंट हो और स्टेटमेंट में नाउन आया वो तो नाउन उसके जेंडर और नंबर के हिसाब से ऐड करके क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोशिश करूँगा कि अगले 1-2 वीडियोज़ में मैं क्वेश्चन टेक्स्ट चैप्टर खत्म करूँ। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।